जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो, मजे में ही रहने चाहिए। आप सब लोग ठीक तो हैं? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। एज अ गुरु माँ, आप सब लोग ठीक रहे, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। एक पर्सनल हीलिंग की पेमेंट के साथ एक पर्सनल हीलिंग फ्री, दो लोगों का ब्लैक मैजिक रिमूवल फ्री, दो लोगों का लव स्पेल वर्क फ्री, यही है ऑफर में। ओके, पेमेंट एक देनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिएगा। मैं शीघ्र, अति शीघ्र लाइव आऊंगी, आपके अनगिनत क्वेश्चंस का जवाब दूंगी फ्री में। ओके, आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबाएंगे। शुक्रिया। मेरा सेकंड चैनल है एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT। आफ्टर द वीडियो मैं वहां शॉर्ट्स डालती हूँ, आपको गाइडेंस मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिएगा। इंस्टा हैंडल है मेरा DIV_INE_TAROT, वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए, वहां रील्स डालती हूँ टैरो की। जो मेरा पूरा चैनल का नाम है डिवाइन वंडर टैरो रीडिंग 108, वो ही है इंस्टा पे DIV_INE_TAROT। ओके, तो घबराने की बात नहीं है, वही मेरा चैनल का नाम है, बस DIV_INE_TAROT, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, फॉलो कीजिएगा। टैरो रील्स डालती हूँ, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जिसको करवानी है, चार्जेस कम कर दिए, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। आज का क्या है वीडियो, क्या है रीडिंग? मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे लगा थर्ड पार्टी का बहुत बन गया, आज कुछ अलग सा यूनिक सा बनाऊं मैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों पर ब्लैक मैजिक है तो किसने किया है, कहाँ कहाँ हुआ है, ये सब बताऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए, प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन गॉड्स, आर्कएंजल माइकल्स, नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं। गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आप लोग माता रानी की पूजा बहुत किया कीजिए, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, पॉजिटिविटी आ जाएगी अब हमारे रीडिंग में और सब कुछ अच्छा होगा। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए। बहुत यूनिक आज रीडिंग कर रही हूं मैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और है तो कहां कहां हुआ है, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन गॉड्स, यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, और कहीं कहीं ये भी दिखेगा कैसे खिलाया गया है, ठीक है। किसी कार्ड्स में ये भी दिखेगा कि कैसे आपको दिया गया है। थ्री ऑफ कप्स, होप फॉर द बेस्ट, द लवर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है आज की रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए। ऐसे यूनिक यूनिक टॉपिक्स लाऊंगी अब मैं आपके लिए। डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किसी कार्ड में पता चलेगा कैसे दिया, किसी कार्ड में पता चलेगा कब दिया, किसी कार्ड में पता चलेगा कि क्यों दिया, क्या सिचुएशन थी। फाइव ऑफ कप्स, 555 दिखता होगा आपको आजकल, गूगल करके देख लीजिएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। आपके बहुत सारे शत्रु हैं बाबा, दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे। प्लीज गाइड कीजिए,
यूनिवर्स, एंजल्स, एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, सिस्टर्स, डिवाइन गॉड्स, गोइंग विद द फ्लो, पॉसिबिलिटीज, क्लिंगिंग टू द पास्ट, एग्जॉशन, टर्निंग इन, कंप्लीशन, सक्सेस, इंटीग्रेशन, काफी कुछ पता चलेगा आज. रिसेप्टिविटी, सिज़ोफेरनिया, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रेक थ्रू. बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, आपको क्या हुआ, आफ्टर इफेक्ट. तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब से ही रेजोनेट होगी. जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जरा सा भी संकेत है, वो लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दें, उनसे रेजोनेट होंगी ये रीडिंग. आज पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं. देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि कहीं आप सेलिब्रेशन में गए हैं, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, जन्मदिन, ये होते हैं ना छोटे मोटे इन्विटेशन पे जाते हैं हम, रोका, पिकनिक मनाई किसी के साथ बाहर, किसी फैमिली के साथ, मतलब कहीं बाहर गए घर के और सेलिब्रेशन या कुछ, पिकनिक पार्टी, छोटा मोटा गेट टुगेदर, एंगेजमेंट पार्टी, रोका सेरेमनी, शादी, किसी का मुहूर्त, गृह प्रवेश का, कहीं भी एक्स वाई जेड, तो वहां आपको दिया गया है, वहां आपके ऊपर किया गया है ये ब्लैक मैजिक, ठीक है. कहीं आपने चाय, कॉफी, दूध, इन तीस, दूध ज्यादा दिख रहा है, दूध तो चाय कॉफी में जाता ही है, और दूध भी इटसेल्फ सफेद चीज में, आपको सफेद चीज में दिया गया है. हाँ, मैं पहले बता दूं कि आप पर है ब्लैक मैजिक, इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रही हूं. तो डरिए मत आप, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूं कहां कहां मिल सकता है. चाय, कॉफी और दूध, इन तीन चीजों में या इनसे बनी हुई चीज, मिठाई वगैरह में. मिठाई वगैरह मुझे यहाँ दिख रही है, किसी के हवन वगैरह में गए हैं जहाँ ऐसे आग जलती है और पूजा होती है, शादी में भी होती है, जहाँ जहाँ भी ये हवन होता है, गृह प्रवेश में भी होता है, तो वहाँ आपको दूध, कॉफी, चाय या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर, उसमें दिया गया है. या मुझे दिख रहा है कि आप किसी के श्राद्ध वगैरह में गए थे, या श्राद्ध के खाने नहीं होते हैं, श्राद्ध के, तो घर में ही किसी ने श्राद्ध का खाना बनाया और दिया, कोई श्राद्ध का खाना दिख रहा है मुझे, ठीक है. उसमें डेथ, किसी के मरने में गए आप, मरने में, तो वहां किसी ने मिला रखा था आपके खाने में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है. किसी को आपके और आपके पर्सन के प्यार से बहुत तकलीफ, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव, कोई नेबर, पड़ोसी, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स कुलीग, कोई भाभी, नंद, जिठानी, देवरानी, खुद की बहन भी होती है कई बार, तो मरे में किसी ने आपको मिलाकर दिया है, ठीक है. मरे के खाने में, जो मर जाता ना इंसान, जैसे दादाजी मर गए, दादी जी मर गए, कोई मर गया, उसके खाने में मिलाकर जब हम खाना खाते हैं, जब 3 दिन तक तो उधर ही रहना पड़ता है और सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही जगह रहना पड़ता है, तो उसमें मिलाया किसी ने, पाप लगेगा जो भी है श्राद्ध के खाने में और इस खाने में जो मिलाता है, ठीक है. और किसी ने आपको बहला फुसला के, कोई फ्रेंड आपकी, कोई नेबर पड़ोसन, मुझे फ्रेंड, नेबर, पड़ोसन, कोई बहुत आपकी प्रिय है, उसने मिला के दिया, ठीक है. तो आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ कि आपके पर्सन ही आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें आपकी नेगेटिव एनर्जीज से बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुई आपको, उनको आपकी नेगेटिव उससे, क्योंकि जब हम खाते पीते हैं ना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, कहीं आप घूमने गए ऐसी जगह जहां ये गाय वगैरह होती हैं, वहां किसी ने खिलाया आपको, जहां गाय वगैरह होती हैं, कोई हिल स्टेशन वगैरह, वहां भी दिख रहा है मुझे,
खिलाया पिलाया गया है आपको, ठीक है। कोई आपसे बहुत जलता है आप ही के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में कोई बहुत जलता है, तो उसने भी खिलाया आपको, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ 9 महीने 9 साल 9 हफ्ते 9 दिन, ये 9 का ज़्यादा रेशियो दिख रहा है मुझे, 9 साल 9 हफ्ते 9 महीने 9 दिन, इन दिनों में आपको हुआ है। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही डिप्रेशन फील होता होगा, ठीक है। मून का कार्ड आया ना, आपके मन पर कुठाराघात किया गया है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन अलोननेस, हो सकता है आप लोग बाहर भी ना जाते हों, किसी से बात भी ना करते हों, आपको पूरा कंट्रोल कर दिया है उस ब्लैक मैजिक ने, ठीक है। आप कोई पुरानी बातें सोचकर बस एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि मून का कार्ड बहुत आया है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में रहने लग गए हैं, दांत की हड्डी की आँख की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बाल ज़्यादा गिरने लग गए हैं, तो ये सब ब्लैक मैजिक के ही उपाय, वो ब्लैक मैजिक के ही लक्षण होते हैं। देख लीजिए लवर्स की एनर्जी, आपके प्यार पर किसी की, आपके और आपके पर्सन पर किसी की बहुत बुरी नज़र है, तो ब्लैक मैजिक किया गया है और ब्रेक थ्रू भी हुआ है, उसको सफलता हासिल हुई है। देख लीजिए इसके नीचे लवर्स है, लवर्स आप लोगों के प्यार पर किसी की बहुत काली ईविल आई थी, तो ब्रेक थ्रू मिल गया है, सफल हो गए हैं वो लोग, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है, पर्सनल हीलिंग ब्लैक मैजिक के ऊपर लवर्स वाला कराएं जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र। आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता होगा क्या करें क्या ना करें, अगर आप बिजनेस वूमेन या जॉब पे हैं तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता होगा काम करने का, कुछ भी करने का आपका मन करता होगा, बस पढ़ी रहूं या पढ़े रहूं, जो भी है आदमी औरत जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, तो लगता होगा जजमेंट मिल सकता है आपको, अगर आप पर्सनल हीलिंग ब्लैक मैजिक रिमूवल लव स्पेल वर्क और हीलिंग करवाएंगे। तो मैं देख पा रही हूं कि हो सकता है आप जो लोग देख रहे हैं वो फुलफिल हों, पैसों से धनवान हो, कुछ लोग मुझे सुंदर भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों को प्यार बहुत मिलता है, तो ये सब चीज़ें ईर्ष्या का कारण बन गई, और पैसा भी ईर्ष्या का कारण बन गई, और आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं वो भी ईर्ष्या का कारण बन गया, आप बहुत स्मार्ट हो वो भी ईर्ष्या का कारण बन गया, आपको हमेशा ही न्याय मिलता है चाहे आप सही हो या ना हो। तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मेरे को फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बहुत जलती है, और ये आपके पर्सन पर हावी होना चाहती है और आपको बिल्कुल बीमार कर देना चाहती है, इसलिए आपके पर्सन हो सकता है आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में भी चले गए, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल करती है उन्हें, थर्ड पार्टी मतलब जिसने किया है आप लोगों पर, आपको सिर में बहुत दर्द होता होगा, बहुत दर्द असीम, कि ऐसा मन करता हो कि सीधा जान ही चली जाए तो ज्यादा अच्छा है, उल्टी आती हो, उपकाई आती हो, पूजा करने का मन ना करता हो, बाहर जाने का मन ना करता हो, लोगों से बात करने का मन ना करता हो, घबराहट होती रहती हो, काम में दिल ना लगता हो, तो ये सब है, ये होता है नथिंगनेस, कुछ भी नहीं आपके दिमाग में चल रहा, और ये जब से हो रहा है आपको तब से ही आपके ब्लैक मैजिक घुसेड़ दिया गया है आपके अंदर, प्रेत बाधा भी हो सकती है, इसीलिए बोलती रहती हूँ पर्सनल हीलिंग ब्लैक मैजिक रिमूवल लव स्पेल कराइए। प्रेत बाधा ये होती है कि लोग किसी के पास जाते हैं तांत्रिक मंत्री के पास, ये मैं आज आपको बता रही हूँ, खुलासा कर रही हूँ, कि तांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस बंदी को या बंदे को दुख में करना है मुझे, बिल्कुल ही इसे बेड पर बिस्तर पर रखना है, दिमाग से संतुलन खो दे, तो वो जो तांत्रिक हैं वो अपने उनके पास टेम्ड होते हैं प्रेत, तो वो उन्हें आधे, उनके पास बॉडी नहीं होती, वो प्रेत होते हैं, तो वो बॉडी आपकी दे देते हैं और आपकी बॉडी में ही विचरते रहते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको ये एक सत्य बता रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं कि प्रेतों को आपके अंदर डाल देते हैं और फिर आप कुछ भी नहीं करते और आपका शरीर खाते रहते हैं प्रेत, और आपको बहुत कम कुछ सारी रिपोर्ट भी करवा लेते हो आप, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता, सही होता है, लेकिन एक्चुअली में प्रेत घुसा देते हैं लोग और फिर ये सब कार्य करते हैं और बहुत बुरा होता है, अंदर ही अंदर वो प्रेत खाते रहते हैं, उनको बॉडी मिल जाती है, सेक्सुअल भी होते हैं, दुख देते हैं, आपको एहसास भी होता है कभी कभी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए बार बार बोलती हूँ, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि आपको मैं सतर्क कर दूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, प्लीज़
पैसों को मत देखिए, पर्सनल हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, लव स्पेलक जरूर कराइए, जरूर कराइए, जरूर कराइए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं हम थोड़ी सी गाइडेंस, ठीक है। इसी में ही मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, थर्ड डेक निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये सब होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। 10 साल का 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन चीजों से रिमूव करने का, ब्लैक मैजिक करने का नहीं, ब्लैक मैजिक को हटाने का। ब्लैक मैजिक करना तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ है, हमेशा अपने ऊपर आती है जब भी हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं, अपनी संतान पे आती है वो चीज़ अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो, पहले ही बता दूं मैं आपको। इसलिए मैं अपनी संतान को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, सेफ रखना चाहती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ। मैं बड़ी पॉजिटिव लेडी हूँ, मैं ब्लैक मैजिक उतार सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साधना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब करती हूँ। मुझे विजन्स आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मेरे इस पावर का, इस नॉलेज का, इस चीज़ का, विद्या का आप फायदा उठाएं, हटवाएं अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक, ठीक है। और डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ सही होगा, ठीक है। मैं डराने के लिए प्रेत बाधा नहीं बताई है आपको, मैंने सचेत करने के लिए। देखिए आप तो कुछ नहीं कर सकते, आम आदमी हैं आप, मैं ब्लैक मैजिक भी रिमूव करूंगी, हीलिंग भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। आपको प्लीज शीघ्र अतिशीघ्र जो मैंने लक्षण बताए हैं आपको होते हों तो आपको ब्लैक मैजिक है, प्रेत बाधा है, तो कृपा करके हटवाइए उसे मुझसे, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस देखते हैं। कम्युनिकेशन आप सक्षम हैं अपने आप में ही, आप अपने आप कंक्लूजन देखिए कि आपको ये होता है जो मैंने बताया है, तो आपको करवाना चाहिए पर्सनल रीडिंग वगैरह। और पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, खुशियां आएंगी, प्यार भी आएगा, एनर्जेटिक भी होंगे, और देख लीजिए हीलिंग का कार्ड आ गया है, और आप और आपके अपने सुरक्षित भी होंगे, ठीक है। इसमें वैसे कोई गाइडेंस की बात है नहीं, लेकिन मैं फिर भी गाइडेंस का निकाल रही हूँ। गाइडेंस तो मैं आपको दे रही हूँ कि आप कृपा करके ब्लैक मैजिक उतरवाइए अपना, काइंडनेस में रहिए। अब आपको पता चल गया ब्लैक मैजिक है तो बिल्कुल भी रूड मत हो जाइए। काली माँ और मैं आपका भला करेंगे, उद्धार करेंगे, काली माँ की मदद से मैं आपका उद्धार करूंगी। माता रानी दुर्गा, माता दुर्गा सप्तशती भी इतना पढ़ती हूँ मैं, उससे भी मेरे को बहुत फायदा होगा। और गुप्त नवरात्रि तो वैसे ही शुरू है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, गुप्त नवरात्रि है, आप जल्दी से जल्दी अपना ब्लैक मैजिक उतरवाइए। प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा, रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए जितना हो सके। कोई बात नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता, आप पर्सनल हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, लव स्पेल कराइए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। खुशियाँ आएंगी आपकी जिंदगी में, सेक्सुअली भी अट्रैक्ट करेंगे आप अपने पर्सन को जो दूर हो गए हैं आपसे, नॉलेज भी आएगी आपको, हीलर से अपना हीलिंग करवाइए, इमोशनल हीलिंग भी करवाइए, डिवाइन मैसेजेस भी मिलेंगे आपको, अपने गिफ्ट शेयर कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। कोई कम पैसे का है, किसी के पास कम पैसा है तो भी मजाक नहीं उड़ाना, किसी के पास प्यार नहीं है तो भी मजाक नहीं उड़ाना, किसी की शक्ल अच्छी नहीं है तो भी मजाक नहीं उड़ाना, किसी की लड़की है तो भी मजाक नहीं उड़ाना, आपके लड़का है तो भी मजाक नहीं उड़ाना, किसी को नेगेटिव कुछ नहीं बोलना, ठीक है। ये चीजें भी होती हैं ब्लैक मैजिक करने का कारण, अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना तो वो जलन के मारे हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। और किसी को अपना पैसा, धेला, सुख संपत्ति भी नहीं दिखानी, किसी को अपना प्यार नहीं दिखाना चाहिए, सुख संपत्ति नहीं दिखानी चाहिए, अपने बच्चों को, ज्यादा लड़के हैं तो ज्यादा लड़के लड़के भी नहीं बोलने, चिढ़ते हैं लोग, ठीक है। मैं इसीलिए आपसे बड़े खुल के बात करती हूँ, माँ की तरह, ऐसे ही गुरु माँ नहीं बोला मैंने आपको, गुरु प्लस माँ, गुरु से गाइडेंस देती हूँ, माँ के तरीके से समझाती हूँ, इसीलिए मैं आपका समय भी नहीं बर्बाद करती, जल्दी जल्दी अपना वीडियो बना लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं आपके ये जो 20-25 मिनट के वीडियो को एक घंटे का बना दूँ, मेरे बस की नहीं है। मुझे लगता है कि आपको टू द पॉइंट बात बता दूँ गुरु प्लस माँ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको बताती हूँ सीधा सच्चे, जैसे मैं अपने अपनों से बात करती हूँ ऐसे ही आपसे बात करती हूँ। आपको लगता हो ये कैसे बात करती है मैम, गुरु माँ नॉर्मल बात करती है, अरे तो फिर मैं क्या अपनी जादुई बातें बताऊँ या ये करूँ, मतलब मुझे नॉर्मल ही आपसे बात करना है। आप मेरे बच्चे हो, व्यूअर्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली हो, मेरे सब कुछ हो, मैं अपना सब कुछ मानती हूँ आपको। और
एंड हो जाएगा कार्मिक साइकिल का और आपके पास वापस आएंगे आपके पर्सन, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ भी आएगी जो अभी आपको बहुत कमजोरी लगती है, और चेंज भी आएगा। तो आज तो गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, गाइडेंस मैंने आपको दे दी और बता दिया कि ब्लैक मैजिक कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने साल पहले, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले हुआ, क्या होता है, क्या नहीं होता है। और एक मैंने एग्जांपल दे दिया प्रेत बाधा का कि क्या होता है ब्लैक मैजिक का, एक फॉर्म बताया मैंने आपको अभी। तो इससे ही आपको पता चल जाता होगा कि मैं कितनी ज्ञानी हूँ, 11 साल से मैं इस विद्या में हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों पे, ब्लैक मैजिक है। प्लीज़ सिम्टम्स बता दिए और बता दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो कृपा करके हटवा लीजिए पर्सनल हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल करा लीजिए, अपने आप को ठीक करिए पहले, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। मैं हूँ ना आपके हेल्प के लिए, आप मुझे हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्स, डिवाइन, माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, शिव जी जी, पार्वती माँ, सब आपके साथ हैं क्योंकि वो मेरे साथ हैं। आर्क एंजल्स भी आपके साथ हैं क्योंकि वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साथ मेरे अपने जो शक्तियां हैं वो जुड़ी हुई हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो शीघ्र अति शीघ्र पर्सनल हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, लव स्पेल कराएं, ठीक है। बस मैं तो यही कहूंगी, करवाएं और सही हो जाएं और अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करें खुशियों, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एक पर्सनल हीलिंग की पेमेंट के साथ एक पर्सनल हीलिंग फ्री, दो लोगों का ब्लैक मैजिक रिमूवल फ्री, दो लोगों का लव स्पेल फ्री। लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा। लाइव आऊंगी, अनगिनत क्वेश्चंस का जवाब दूंगी फ्री में, ओके। सेकंड चैनल है मेरा एंजल सोल टैरो, वहां भी लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिएगा। DIV_INI1008 इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा, वहां भी आपको रील्स मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।